हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। और रात का टाइम है तो गाइस, तो हार्दिक शुभकामना है सबको मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार के तरफ से। और अब यहाँ का अभी चंदन मेरा नहीं हुआ है तो हम धोते नहीं हैं, अपने आप ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि ये सब भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है तो समझ के सिर पे अपना रहता है तो अच्छा है। और ऐसे चंदन भी क्या है ना कि ठंडा रहता है चंदन, इसलिए चंदन को सिर पे लगाना चाहिए, उससे ठंडक रहता है। और आज सुबह से निकले यहाँ पर आ गए हैं सचिन के पापा। इनका हालत देखिए कैसा लग रहा है, यहाँ पर आ जाइए। इनका हालत ख़राब हो जा रहा है, इतना मेहनत पड़ रहा है इनको। और आज सचिन भी फ़ोन करके बोल रहा था खाली स्कूल का नहीं जा रहा है ना आप लोग, तो पापा को भेजिए ना तो आप जाइए, हमको घर से समाज टाइम नहीं है। लेकिन अब स्कूल का बोल रहे हैं तो अब स्कूल में नहीं जा पाते हैं, इसलिए कि गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं है, अब बाइक से जाना सेफ नहीं लगता है इसके वजह से। तो आप कहाँ कहाँ गए थे आज घूमने? आज तो स्कूल में ही ज़्यादातर समय से, शाम को सफायर में गए थे। सफायर में कोई आया था चंडीगढ़ से तो उनको विजिट करना था, तो हमने सोचे कि क्यों नहीं आज शाम को चलते हैं वहीं पर। तो दो तीन और दोस्त लोग थे, सबके साथ हम लोग होटल सफायर में जा करके कुछ नाश्ता वास्ता किए वहाँ पर, उसका फिर से यहाँ से निकले। और आज ज़्यादा हरासमेंट हुआ इसलिए कि बहुत ज़्यादा विभागीय काम बढ़ गया है, इतना ना पेपर और लेटर आ रहा है विभाग का कि लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई के से ज़्यादा अब काम पड़ रहा है, वर्कलोड सरकारी जवाबदेही, इसलिए थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा स्कूलों को चिंता बढ़ गई है और इसी में हम फंसे रह गए। आज दिन भर इनका उधरे गए से हम अकेले घर में रह जाते हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोगों को बता देते हैं, कल बोले थे कि गुड न्यूज है, तो गुड न्यूज क्या है वो बता देते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे बच्चे हैं तो बच्चे लोग से कोई बात छुपाते नहीं है। और मेरा जो भी वीडियो बनेगा वो ओरिजिनल ही बनेगा, जो होगा वही चीज़ हम बताएंगे आप लोग को, ये नहीं है कि कुछ फेक रहेगा बनावटी रहेगा, वो सब हमारे में आदत नहीं है। और हम जो भी होता है दिल से बात बोलते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, इसीलिए शायद मेरा बात किसी को अच्छा नहीं लगता है। जो अच्छे होंगे समझते होंगे वो बात समझ जाते हैं, जो नहीं समझने वाले होंगे वो सोचेंगे कि बाप रे कैसी बोलती हैं ये। लेकिन हम शुरू से मेरा यही आदत है, मेरे पापा भी ऐसा नहीं थे कि किसी के मुँह पर कड़ाम दे बोल देते थे, वो नहीं सोचते थे कि क्या होगा इस बात से। तो शायद ये उन्हीं का देन है कि हम लोग के अंदर ये गुण है, और ये अब अच्छा हो है कि बुरा है अब हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमसे नहीं होता है। हम कितने बार सोचते हैं ना कि नहीं बोले थोड़ा सही हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों हमको लगता है कि नहीं गलत हो रहा है, ये गलत है, तो हम बोल देते हैं वहाँ पे। सही बात है, बोलना भी चाहिए। आपको भी कई बार बात को कोई बात होता है तो आपको हम रोकते हैं कि ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए क्या? सही बात। तो आप समझते हैं तो मान जाते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं फिर। तो गुड न्यूज यही था कि आज जाने वाले थे ये छोटकी गोला ने, जो छोटकी मेरे पास रहती थी, कल से बात हुआ है उससे, तो उसकी मम्मी बोली है कि दीदी आप अकेले हैं ले जाइए इनको, अब वहीं रखिएगा, अब वहीं पे पढ़ेगी। तो अनुष्का तो नहीं आएगी, अनुष्का के मम्मी का ऑपरेशन हुआ है तो रहेगी घर पे, लेकिन छोटकी तैयार है आने के लिए, हमको बोली भी है कि हम आएंगे, तो बड़ी मम्मी आएंगे उसको लाने के लिए। तो कल नहीं, हमको लग रहा है कि 9 तारीख को यहाँ दूध लावा हम चढ़ा लेंगे नागपंचमी का, 10 तारीख को हम लोग वहाँ 11 को रहेंगे, तो अब 11 को ही लेके आएंगे। अब सोचे हैं कि एक दिन दो दिन के लिए आएंगे, अब फिर कहीं हमको जाना हो तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम सोचे हैं कि अब 11 तारीख को पूजा ख़त्म होगा, सामने पूजा, उसके बाद उसको ले आएंगे। उसके मम्मी कल हमको बोली है कि ले जाइए दीदी, कोई बात नहीं है चल जाएगी तो अच्छा रहेगा।
और एक बात है, एक बात आप लोगों से बता रहे हैं कि प्रिंस और रंजना को यहाँ से गए हुए 17 दिन हो गया। 17 दिन? हाँ, यहाँ से गए हुए 17 दिन हो गया। 17 दिन में आज रंजना हमको कॉल की है, जो कि शाम के टाइम करीब हमको लग रहा है 7-8 बजे की थी, बात की है और हम भी बात किए हैं उससे, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग बोलते थे ना कि लाडला बेटा है आपका, वहीं पे था, लेकिन वो हमसे बात नहीं किया। हम पूछे भी उससे कि वो कैसा है, प्रिंस कैसा है, ठीक है, तो बोली कि हाँ ठीक है, लेकिन वो नहीं हमसे बात किया। तो खैर कोई बात नहीं है, जैसा होता है वैसे समय के हिसाब से हम भी चलते हैं। अपने कलेजा पर पत्थर रख के हम भी बैठे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जितना दिन जिसको उड़ना है, घूमना है, घूमे फिरे, कोई बात नहीं है, आगे कमाए, बढ़े, अपना खूब कमाए, खूब तरक्की करे। अगर माँ के पल्लू छोड़ के बच्चे आगे बढ़ जाए, तरक्की कर ले, तो इससे बड़ी बात कुछ है हो ही नहीं सकता है। तो कोई बात नहीं है, एकदम अपने लाइफ में सब लोग खुश रहे, बस जो जहाँ रहे वहाँ अच्छा से रहे। तो चलिए बिना देरी के बोले कि चलते हैं किचन में। अब किचन में 9:30 हो गया है, तो खाना बना दिए हैं, रोटी और तरोई का सब्जी, तो चल रहे हैं निकालने और आप लोगों को दिखा रहे हैं। चलिए, तो गाइस यहाँ दिया जल रहा है मेरा, कल सब सफाई भी करेंगे। फिर यहाँ मछली को दाम दिलाया है आज, चेरी आज बांधा हुआ है तू भूया में सुतल रही। So guys, तो यहाँ आप देख सकते हैं किचन, देखिए किचन का हाल सब एकदम सही है, सब साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें दूध है, दूध गर्म हो गया है, कल दही जमा था, दही नहीं जमा है, सब्जी इसमें है थोड़ा सा, तो सब्जी हम लोग का काम चलेगा। और यहाँ पे दाल है और यहाँ दही है, सब चीज है, यहाँ पर सब चीज है। यहाँ पर सब्जी बनाया है, सब्जी आप तो देख सकते हैं, तो तरोई का सब्जी है। और अब खाने में डालने जा रहे हैं, और एक आंटी जी आई हैं, तो उनके लिए भी निकाल देंगे। तो आप गाइस से देख सकते हैं रात्रि का भोजन कितना बेहतरीन सब्जी बुआ, मनीषा का फेवरेट सब्जी है, तरोई खाती है मनीषा, इसलिए हम बना देते हैं। यहाँ पे हम दोनों जन का निकल गया। कटहल का सब्जी मैडम का फेवरेट सब्जी। कौ रोटी खाए चार दिन। दाल बादे दी थोड़ा सा। बढ़िया दे दीजिए दाल। हे खिचड़ी हम दे दी काय। देख ना निमन है तो खान ना, तो ना देख ना, देख ना। तो आइए आप लोग भी खाना खाने, और इस पे अब आम काटेंगे तो हो जाएगा, और लेके चलते हैं, रात का खाना है। चलिए